जी व्यूअर्स, तो आज हमारे किचन में बनना है ज़बरदस्त सा चीज़ ब्रेड ऑमलेट। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए चीज़ ब्रेड ऑमलेट जो है रेडी किया है हमने। तो चलिए आइए देखते हैं चल के इसकी रेसिपी के ये कैसे बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है आप लोगों के लिए रेसिपी बन रही है हमारे किचन में चीज़ ब्रेड ऑमलेट। तो गाइस, तो देखते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए इस रेसिपी के लिए। ये देखें, मैंने जो है प्याज ली है चॉप की हुई, शिमला मिर्च है और ये है टमाटर। इन सबको जो है तकरीबन आपने 1 टेबलस्पून ले लेना है, ठीक है। इतनी मिकदार में इसको कट कर रहे हैं आप। और ड्राई स्पाइसेस में है सॉल्ट हमारे पास, चिली फ्लेक्स और ये है ब्लैक पेपर। ये जो है नमक जो है हमारे पास हसबे जायका है, या आप इसको ले सकते हैं 1 टीस्पून। काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर जो है वो है 1/2 टीस्पून, और रेड चिली फ्लेक्स भी 1/2 टीस्पून। और इस रेसिपी में मैं 4 अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप जितने चाहे कि जो है इसकी मकदार बना सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो ये वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई हैं, इनको जो है मैं एक बाउल में शामिल करूँगी। ये जो ड्राई स्पाइसेस हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब ये 4 अंडे इस बाउल में शामिल करके फेंट लेंगे हम। जी व्यूअर्स, तो ये देखें कि 4 अंडे मैंने शामिल कर लिए हैं, अब इनको मैं फेंट रही हूँ। और इन्हें फेंट कर हम साइड पर रख लेंगे और जो है अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब मैंने ब्रेड का 2 स्लाइस लिए हैं, इस पर इस पर जो है मैं ये टमाटो केचप जो है स्प्रेड कर रही हूँ। टोमेटो केचप जो है लगाने के बाद, केचप लगाने के बाद जो है मैं इस पर जो है ये मोज़रेला चीज़ लूँगी, वो इस पर इस तरह हम स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, आप जो है चेडर चीज़ स्लाइस भी ले सकते हैं, या इसे कद्दूकस, मैंने थोड़ा मोटा मोटा जो है इसको कट किया है। और सेकंड पीस को इसके ऊपर ऐसे हम रख के इसको कवर कर देंगे, इस तरह सारे पीस तैयार कर लेंगे। और फिर अब चलते हैं कुकिंग की तरफ। अच्छा, अब मैंने एक तवा लिया है, आप जो है फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको ग्रीस कर लिया है घी से। आप जो है बटर ऑयल जो चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है मैं ये अंडे का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो इस पर डालूंगी, और फ्लेम को जो है हमने लो करना है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम इस तरह। ये देखें, फैला लें अपने ऑमलेट को। और जो है एक ब्रेड का स्लाइस लेके इसके ऊपर ऐसे आप इसको रख दें, ठीक है। अच्छा, जो है फ्लेम को आपने लो करना है, और इसको इसी तरह आपने जो है ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर देना है ऑमलेट को अपने। जी व्यूअर्स, तो देखें मैंने इसको जो है पलट दिया है, और दोनों साइड से इसको हमने कुक करना है, ठीक है। जी व्यूअर्स, तो अब मैंने जो है एक पीस तो रेडी हो गया, अब दूसरा पीस जो है लिया है, इसको भी हम इसी तरह जो है फोल्ड करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें ऐसे जो है इसको मैंने फोल्ड किया है, थोड़ा सा रह भी गया तो कोई मसला नहीं है। तो जो है अब हम जो है इसको पलट देंगे, ठीक है, साइड इसकी चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने इसको जो है फोल्ड कर दी, वो इसकी जो है साइड चेंज कर दिए। इसको साइड चेंज करके भी हम थोड़ा कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, तो अब जो है ये दूसरी साइड से भी कुक हो चुका है। अब एक को तो मैंने कर लिया था डिश आउट, अब जो है इस वाले को भी मैं करूँगी डिश आउट। ये देखिए हमारे जो है चीज़ी ब्रेड ऑमलेट रेडी है। जी व्यूअर्स, तो ये है हमारी रेसिपी की फाइनल लुक। तो अब आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को करें सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।